Good morning, students. So in today's class, we are going to read the first part of Unit 4. So let's start it. Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. Kalpana Chawla, जो कि करनाल में जिनका जन्म हुआ, करनाल हमारे इंडिया का एक स्टेट है, हरियाणा, वहाँ पर करनाल एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कल्पना चावला का जन्म हुआ था। तो वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो कभी स्पेस के फ्रंटियर्स को, मतलब अंतरिक्ष के सीमाओं को भी कभी लांघ पाएंगी। तो ऐसा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा। ऐसा क्यों? क्योंकि करनाल जैसा जो डिस्ट्रिक्ट है, इंडिया का कोई भी स्टेट, कुछ कुछ ही स्टेट्स ऐसे हैं और वहाँ के कुछ पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट्स, और वहाँ के जो लेडीज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, उसमें भी रेयर ही कोई ऐसा सोच पाता है कि हाँ मैं कभी अंतरिक्ष जाऊँगी या फिर चांद पे जाऊँगी या फिर इस तरह की सोच रख पाती हैं। तो कल्पना चावला ने कहा था कि वो उन्होंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी आसमान की सीमाओं को लांघ पाएंगी। इट वॉज एनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर सी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। तो उन्होंने ये कहा कि उनके लिए इतना ही काफ़ी था कि उनके पेरेंट्स ने इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड करने का उन्हें परमिशन दिया, उन्हें अलाउ किया। टैगोर स्कूल से उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। सेकंड पैसेज, आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, सी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बैचलर ऑफ साइंस, इस डिग्री लेने के बाद जो है, और इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ में थे उनके फादर, वो नहीं चाहते थे कि कल्पना जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में साइंस, मतलब ये डिग्री वो हासिल करे या फिर वो आगे मतलब इंजीनियरिंग करे। लेकिन इतना जो है अगेंस्ट में, अपने फादर के अगेंस्ट में इतना विरोध होने के बावजूद भी उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जाकर के मास्टर डिग्री भी हासिल की। सी लेटर अर्नड हर PhD इन एयरोस्पेस इंजीनियरिंग। बाद में मास्टर डिग्री लेने के बाद उन्होंने PhD भी की, और PhD किस में की? एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में। आप लोग इसको जब गूगल पे सर्च करोगे तो एयरोस्पेस जो होता है वो स्पेस में जो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या किया जा सकता है उसके बारे में, मतलब डिटेल में जो है एक एक बिंदु को, मतलब पूरी डिटेल में पढ़ना, वो इस एयरोस्पेस में बताया जाता है। तो पहले जो है, जब अभी जैसे आप लोग 6 में हो, 12th कंप्लीट करने के बाद कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ यही सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी तरह से एक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी होती है जिसमें कि एरोनॉटिक्स के बारे में पढ़ा जाता है। एरोनॉटिक्स अंतरिक्ष के बारे में जाना जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष मतलब क्या? जो अब रात में आप लोग चांद, सितारे, आसमान देखते हो ना, तो उसके भी पड़े एक अलग दुनिया है, उसके बारे में, ठीक है। तो एरोनॉटिक्स के बारे में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा जाता है। तो बैचलर डिग्री उन्होंने हासिल की, फिर मास्टर डिग्री भी लिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जा कर के, और उसके बाद फिर PhD भी करी उन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वोमन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम The launch pad at Cape Canaveral, Florida. कल्पना चावला पहली इंडियन अमेरिकन वोमेन थी, इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी, जो कैप कैनवेरल, जो वहाँ का जो लॉन्च पैड था, वहाँ से वो ब्लास्ट ऑफ, यहाँ पर ब्लास्ट ऑफ का मतलब है कि वहाँ से जो है उनका जो स्पेस शटल है वो वहाँ से ब्लास्ट ऑफ। तो यहाँ पर ब्लास्ट का मतलब ये नहीं कि वो वहीं पे ब्लास्ट हो गया। आप लोगों ने अगर ये देखा होगा, कोई जो स्पेस शटल जो जाता है अंतरिक्ष में, जैसे मूवी में आपने देखा होगा मिशन मंगल मूवी में, तो जब वो सीधा अपर डायरेक्शन में जाता है ना, तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, और वो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसको। तो जब रॉकेट
सीधा अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत धुआं निकलता है, बहुत ज़्यादा। तो उस धुएं के वजह से उसको नाम, मतलब उसको कहा जाता है ब्लास्ट ऑफ। ठीक है, तो फ्लोरिडा के कैप कैनवेरा लॉन्च पैड से कल्पना चावला जो है ये ब्लास्ट ऑफ जो है की थी। तो ये पहली जो है इंडियन अमेरिकन वोमेन एस्ट्रोनॉट थी। तो इंडियन अमेरिकन क्यों? क्योंकि इंडिया में इनका जन्म हुआ और अमेरिका जाकर के इन्होंने अपनी आगे की पूरी पढ़ाई कंप्लीट की और वहीं पे जो है नासा से इनको भेजा भी गया था। आगे देखते हैं, एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। और ये मिशन जो है सक्सेसफुल भी हुआ, क्यों? क्योंकि आते टाइम इनकी इनका जो है ये ब्लास्ट हो गया था, इनका डेथ हो गया था, लेकिन उससे पहले ही, जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही पढ़ा था कि 80 एक्सपेरिमेंट ये लोग कर चुके थे, राइट। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विथ स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। तो इनकी फैमिली भी जो है जब ये एस्ट्रोनॉट बन गए, और उनकी फैमिली को भी तब जब पता चला कि उनकी बेटी को स्पेस भेजा जा रहा है, तो ये लोग भी जो है, इनकी फैमिली ने भी तब जो है इनको चीयर अप किया, इनका उत्साह जो है वो बढ़ाया। चीयर अप हम करते हैं जो हमारा जो खिलाड़ी है या फिर हमारा जो कोई रिलेटिव है, किसी भी काम के लिए किसी को भी जब चीयर अप करते हैं ताकि उनका एनर्जी बूस्ट हो सके, राइट। जैसे गेम कोई चल रहा होता है हमारा, इंडिया का हो या फिर कोई भी, तो क्रिकेटर हो या फिर कोई भी जो जिसे हम पसंद करते हैं तो उसको चीयर करते हैं ना। तो कोलंबिया जब लिफ्ट ऑफ कर रही थी तो उनकी फैमिली जो है कैनेडी स्पेस सेंटर से उनको देख भी रही थी, उन्होंने अपने आँखों से देखा भी। तो कोलंबिया लिफ्ट ऑफ का पहले ही आप लोग को बता दिया गया है। कोलंबिया जो शटल है जब वो लिफ्ट ऑफ कर रही थी, लिफ्ट ऑफ मतलब जब वो निकल रही थी, लिफ्ट ऑफ कर रही थी, तो उनकी फैमिली भी जो है वो सारी चीज़ें अपनी आँखों से देख रही थी और उसको चेयर कर रहे थे। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा बट वॉज अ नेचुरलाइज US सिटीजन। कल्पना का जन्म जो है हरियाणा के करनाल में हुआ था, लेकिन वो एक US की सिटीज़न थी। क्यों? क्योंकि मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन। क्योंकि उनकी शादी जो है एक तो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से उन्होंने शादी की थी, क्या नाम था उनका? जीन पियरे। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट सी वॉज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स। सिर्फ एस्ट्रोनॉट ही नहीं थी वो, एस्ट्रोनॉट के साथ साथ उनको लाइसेंस भी मिला हुआ था, चाहे वो सिंगल फ्लाइट हो, चाहे वो सिंगल प्लेन हो या फिर मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन हो, हर तरह के फ्लाइट्स को, हर तरह के प्लेन को वो अच्छे से उड़ा सकती थी। तो पहले एस्ट्रोनॉट बनने से पहले इनको ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग भी दी गई थी। तो सिंगल और मल्टी इंजन, सिंगल इंजन वाले भी प्लेन होते हैं और मल्टी इंजन वाले भी प्लेन होते हैं, तो हर तरह के प्लेन को वो अच्छे से उड़ा सकते थे। सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। सी प्लेन भी जो है, चाहे वो सिंगल इंजन सी प्लेन जो है वो और ग्लाइडर भी, वो दोनों ही अच्छे से उड़ा सकती थी। सी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और साथ में वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। After qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge. Pilot का qualification मिलने के बाद, मतलब एक अच्छी pilot बन जाने के बाद जो है, Kalpana ने अपने लिए एक दूसरा challenge जो है वो consider किया। मतलब वो चाहती थी कि अब जो है, क्योंकि वो रुकना नहीं चाहती थी कि नहीं मुझे अब ये हासिल हो गया, मैंने प्लेन उड़ाना सीख लिया, मैंने सिंगल इंजन, जैसे कि हम लोग अभी देख ही रहे थे कि उन्होंने सिंगल लैंड एयरप्लेन उड़ाना सीखा, फिर उसके बाद मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन सीखा, फिर सिंगल इंजन सी प्लेन उड़ाना सीखा, फिर सिंगल इंजन ग्लाइडर भी उन्होंने चलाना सीखा, साथ ही में वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी बनी, फिर उसके बाद वो पायलट भी बनी। तो मतलब ये नहीं कि एक सफलता उन्हें मिली और वो उस सफलता से खुश होकर के वहीं पर वो रुक गई, आगे वो हमेशा बढ़ती गई और जो भी चैलेंजेस आए उसका उन्होंने डट करके सामना किया। तो कल्पना जो है पायलट बन जाने के बाद एक दूसरा
चैलेंज कंसिडर किया, और वो चैलेंज क्या था, अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। नासा का जो स्पेस शटल प्रोग्राम था उसमें भी उन्होंने अप्लाई किया। सी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। जब उन्होंने अप्लाई किया नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में, तो पहले तो उन्हें एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में हायर किया गया कि अभी नासा में जो है अभी, ताकि वो रिसर्च करे, सारी चीज़ों को जो है जाने समझे। इन 1994 सी वॉज सेलेक्टेड बाई नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। 1994 में जाकर के नासा के द्वारा उन्हें सेलेक्ट किया गया एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग देने के लिए। ठीक है, तो आखिरकार चैलेंज लेने का, और उसको सिर्फ चैलेंज लिया नहीं, उसको अच्छे से उन्होंने फेस किया, मेहनत की। ठीक है, और फिर जाकर के उनकी मेहनत रंग भी लाई और 1994 में उनको एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट भी कर लिया गया। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट, वी विल रीड द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट क्लास, बट टिल देन read the this these passage and underline the hard words and also remember the meaning of these hard words.